नमस्कार प्रणाम, मैं धनंजय कुमार आपसे हम रूबरू होना चाहते हैं वार्ता देवी से प्रखंड प्रमुख इसमें हमारे साथ हैं। क्या उनके पास किसी आवेदन दिए थे उसके बाद कहा था आपके पास दिए थे बाल विकास पदाधिकारी को मैंने फोन किए थे। हर सेंटर में समस्या बहुत ज्यादा है इसलिए हम बाल विकास पदाधिकारी को बोले थे मैडम हमसे मिल लीजिए लेकिन मैडम नहीं मिले। सब सेंटर का शिकायत ये है कि जो बच्चे को आहार मिलता है वो आहार बच्चे तक नहीं पहुंच पाती है। घूमने गए यहाँ तक पता चला कि कई सेंटर आप घूमने गए वहाँ पर पानी इंतजार करता गया क्या सही बात है? जी सही बात है। कई सेंटर पर समस्या खड़े थे वहाँ के लोग भी बोले बच्चे भी बोले मैडम हमको आहार जो है जो हम लोग का मिल नहीं पाते हैं। यहाँ तक पता चला है कि आप फोन कर नहीं सकते नहीं उसके बाद फोन किए थे तो नहीं रिसीव किए। डीएस साहब के बारे में क्या कहना है आपको? डीएस साहब के डीएस साहब के बारे में क्या कहना है? डीएस साहब जो शिक्षा पदाधिकारी है उनके बारे में डीएस साहब के बारे में यह कहना है कि हर स्कूल धनौरा प्रखंड में जितना स्कूल है वहाँ बच्चा कहीं 150 है कहीं 200 है कहीं 100 है लेकिन वहाँ व्यवस्था है हर बच्चा पर बढ़ाया जाके राशन खाते हैं। और पापा कहना की अटेंडेंस लेकिन कम होता है अटेंडेंस ज्यादा बनाया जाता है। जी 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 कितने लेकिन का अटेंडेंस बनाया जा रहा है? अगर नौरंगा पर एक स्कूल है जहाँ पर आप जांच में गए थे वहाँ पर पता चला है कि लेकिन कम है और अटेंडेंस ज्यादा है नौरंगा पर हम गए थे तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो देखे बच्चे को गिनती किए 150 बच्चे हैं लेकिन अंटे ऐसी बनाए हुए हैं 300 लाइकन के बनाए हुए थे। और वहाँ खाना की व्यवस्था भी खराब ही देखे झाड़ू के डंडी से खाना चलाते हैं और जो खाना बना रहे थे उसमें कीड़ा था लाल था हम देखे हैं अपना आपका खाना भी सही सही टाइम पर नहीं मिला उसमें खिला का जांच में गए थे करने तो जांच में गए थे हम देखे हैं खुद भी खाना में खिला था अच्छा लगा। इस समय हम रूबरू हो रहे थे प्रखंड प्रमुख वार्ता देवी से जो हम इस समय उनके गांव में निर्देशक में आए हुए हैं। नमस्कार।